केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, एनआरसी, सीएए के मुद्दे को लेकर हरदोई में सपाइयों ने जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुलिस की सारी व्यवस्था को धता बताते हुए सपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। आनन फानन में सपाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। गिरफ्तार सपाइयों में जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू व सपा की पूर्व सांसद उषा वर्मा समेत सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं। पुलिस लाइन में प्रशासन मौजूद है, जहां पर सपाइयों को रखा गया है। सपा पदाधिकारी लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला कार्यालय पर पहले से भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। सपाइयों को धारा 144 की ताकीद भी की गई। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सपा कार्यालय पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन सपाई नहीं माने। सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से जुलूस निकाला। इस दौरान सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आखिर में सपाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया। बीजेपी की सरकार चल रही है, इस सरकार के लिए जनता के पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा, छात्र सुरक्षा, इसके अलावा जो नागरिकता बिल अभी इन सरकार में जो पेश हुआ है, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्तागण अपना ज्ञापन लेकर के हम डीएम साहब के पास जा रहे थे। हम लोग अपनी बात कहने जा रहे थे, और लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपना अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हम लोगों को अपने ज्ञापन नहीं दिया जाने दिया गया, अपनी बात रखने नहीं दिया गया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का ज्ञापन ही दे रहा था इस सरकार के खिलाफ, तो उसमें ज्ञापन ना लेकर के हम लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। 44 धारा 44 भी लागू है, कैसे देखती हैं इसको, क्यों लागू की गई धारा 44? अब धारा 44 इसलिए लगाया गया है जिससे जब कोई अपनी बात ही ना कह पाए, जब जनता अपनी बात ही नहीं कह पाएगी, कोई पार्टी अपनी बात नहीं कह पाएगी, और ये सरकार तो डरी हुई है, इसीलिए धारा 144 लगा दिया कि कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा, कोई ज्ञापन नहीं दे पाएगा, कोई जनता, लेकिन जनता जो है जिस तरीके से आज सड़कों पर आई है इस सरकार के खिलाफ, विशेषकर सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, आज महिला सुरक्षित नहीं है, जिंदा महिलाएं लड़कियां जलाई जा रही हैं, अपने स्कूल कॉलेज जाने के लिए लड़कियां डर रही हैं, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उतर आई है। अच्छा, प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और देश की अतताई और तानाशाही सरकार के खिलाफ था, जिनकी सरकार में किसान, महिलाएं सभी परेशान हैं, पूरे देश की जनता परेशान है। लगातार महिलाओं की हत्या, बलात्कार हो रहे हैं, कहीं एनआरसी ला रहे हैं, कहीं सीएबी ला रहे हैं, ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश की जनता को तोड़ा उफोड़ा जाए। आज पूरा देश जल रहा है, ऐसे कानून ये लोग जबरन देश की जनता पर थोपना चाहते हैं उनकी मनमर्जी के खिलाफ। लगातार वकीलों की हत्या हो रही, और लगातार पुलिस जो सुरक्षित नहीं उनकी हत्याएं हो रही, महिलाएं जिंदा जलाई जा रही हैं, किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का, यानी किसानों की उपज का मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा, सब जगह इन लोगों की दलाली चल रही है। पूरी सरकार जो करप्शन में लिप्त है, पूरी सरकार जो है जनता को जो उनकी राहत देनी चाहिए वो नहीं दे रही, इसको लेके हम लोगों धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश पे किया था जनहित की मांगों को रखने के लिए, लेकिन जिला कार्यालय पर जिस तरीके की बर्बरता, आज पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को जबरन घसीट के गाड़ी में डाला गया, हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी फटकार के वहाँ से भगा दिया गया, हम लोगों की मांग को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग जनहित की लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार को, जब जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का। पूरे उत्तर प्रदेश में 144 धारा का आदेश लागू है, जनपद हरदोई में भी प्रत्यक्ष से उसका आदेश किया गया है, और किसी भी तरीके के रैली जुलूस, धरने, प्रदर्शन के लिए बिना अनुमति के कोई अलाव नहीं था, और समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, उनके द्वारा इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके क्रम में लगभग 100 आदमी इकट्ठा थे, जिनको गिरफ्तार करके यहाँ पर पुलिस लाइन में रखा था। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।